इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। दिल्ली में एक बार फिर से धरना, नारेबाजी, हंगामा और शोर शराबे का दौर शुरू हो चुका है। ये सब कुछ हो रहा है केजरीवाल के सियासी ड्रामे के चलते। कल शाम केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद किया हुए बाहर सड़क पर आम आदमी पार्टी के सैकड़ों समर्थक धरने पर जा बैठे। सड़क पर जबरदस्त बवाल हुआ। वक्त जैसे जैसे बीता विरोध और हंगामा तेज हो गया। पुलिस और आप के समर्थक तिहाड़ जेल के बाहर आमने सामने आ गए। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। समर्थक है वो यहाँ से बिल्कुल भी हटना नहीं चाहते हैं। यहाँ से पुलिस ये देखिए आप कि किस तरीके से घसीट कर इनको ले जा रही है। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये देखिए यहाँ से तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि इनको हटाया जा रहा है, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी यहाँ से हटना नहीं चाह रहे हैं। सिर पर आम आदमी पार्टी की खास पहचान वाली सफेद टोपी लगाए आपके सैकड़ों कार्यकर्ता हंगामे पर उतारू थे। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता जा रहा था तिहाड़ जेल के बाहर हंगामा और शोर शराबा तेज होता जा रहा था। केजरीवाल के समर्थन और गडकरी के विरोध में नारे लग रहे थे। देखिए इन तस्वीरों में कि किस तरीके से जो पुलिस है इन समर्थकों को यहाँ से हटाना चाह रही है, लेकिन समर्थक यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि ये लोग अब हाथापाई पर पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की जा रही है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि इन समर्थकों को यहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन जो समर्थक है वो यहाँ से नहीं हटना चाहते हैं। आपको बता दें कि पीछे जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इसी की वजह से पुलिस चाहती थी कि इनको हटा दिया जाए। और देखिए यहाँ से कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि इसी तिहाड़ जेल के अंदर केजरीवाल बंद है। जेल के बाहर प्रदर्शनकारियों की अगुवाई के लिए खुद आपके तमाम बड़े नेता योगेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, जनरल सिंह जैसे नेता खुद मौजूद थे। पुलिस ये देखिए आप कि किस तरीके से घसीट कर इनको ले जा रही है। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये देखिए यहाँ से तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि इनको हटाया जा रहा है, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी यहाँ से हटना नहीं चाह रहे हैं। और आप देखें इन तस्वीरों में कि कितने ज्यादा लोग उग्र हो चुके हैं, तस्वीरों से बिल्कुल साफ है यहाँ पर। हालात को बेकाबू होता देख दिल्ली पुलिस की टीम ने मोर्चा संभाला। तमाम प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने पहले समझाया बुझाया, लेकिन आपके तमाम समर्थक किसी भी तरह सड़क से मोर्चा हटाने को तैयार नहीं थे। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये लोग यहीं पर रहेंगे, जब तक अरविंद केजरीवाल अंदर रहते हैं तब तक इन लोगों का ये कहना है कि ये लोग यहीं पर रहेंगे। लेकिन पुलिस ये चाहती है कि ये लोग यहां से हट जाए, कहीं और जाकर प्रदर्शन करें, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो सड़क है ये यहां से तिलक नगर की तरफ जाती है और जो ट्रैफिक की जो पूरी व्यवस्था थी यहां की वो खराब हो गई थी। इससे पहले हमने एक शख्स से बातचीत भी की, उस शख्स ने ये बताया कि पीछे ट्रैफिक के अंदर एक पेशेंट है वो फंसा हुआ है और ट्रैफिक को चलाया जाए। इसी के बाद जब पुलिस ने समर्थकों से बात करने की कोशिश की और इनको जब ये कहा कि ये यहाँ से हट जाए तो समर्थकों ने साफ तौर पर ये मना कर दिया कि ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, जिसके बाद यहाँ पर जो ये भीड़ थी वो उग्र हो गई। पुलिस वालों के साथ इस भीड़ ने हाथापाई करना शुरू कर दिया और उसका नतीजा आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं। यहाँ से पुलिस आम लोगों की बढ़ती परेशानियों और आप समर्थकों के हरियल रवैये को देखते हुए आखिरकार पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। प्रदर्शनकारियों को खींच कर धरने से हटाया जाने लगा। नजारा हम आपको तिहाड़ जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। जी हाँ, तिहाड़ जेल के बाहर की जो ये सड़क है वहाँ का ये नजारा है। आप इस तरफ देखिए तस्वीरों में कि जो समर्थक हैं वो बिल्कुल भी नहीं हटना चाहते हैं। ये संजय है यहाँ पर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से पुलिस इनको हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ से ये लोग जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पुलिस ने धरने पर बैठे आप प्रदर्शनकारियों को आखिरकार पकड़ कर पुलिस वैन में बिठाना शुरू कर दिया। इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस वैन में बिठाकर दिल्ली के हरिनगर थाने ले गई।
पुलिस वालों के साथ भी इन्होंने हाथापाई की थी। उसी के बाद जब पुलिस ने इन्हें यहाँ से हटाना शुरू किया तो ये लोग उग्र हो गए। यहाँ की ट्रैफिक की हालत आपको दिखाना चाहेंगे। जो फ्लाईओवर है तकरीबन 5 किलोमीटर का लंबा, यहाँ पर जाम लग चुका है और जो भीड़ है अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक हैं वो पूरी तरह से उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर पुलिस उन्हें हटाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है लेकिन जो समर्थक हैं वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहेंगे तब तक वो भी यहीं जेल के बाहर बैठे रहेंगे। कैमरामैन पिंकी के साथ मनोज वर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आप समर्थकों के तेवर को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि जेल जाने से पहले ही केजरीवाल ने इस धरने और हंगामे की तैयारियां शुरू कर दी थी और वो पूरी सियासी ड्रामेबाजी के साथ जेल गए, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ नितिन गडकरी के मानहानि वाले मुकदमे की सुनवाई के बाद अदालत ने केजरीवाल को महज 10,000 रूपये का बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा था, लेकिन केजरीवाल ने बेल बॉन्ड भरने की बजाय जेल जाना तय किया। सत्ता के शिखर से गिरे तो केजरीवाल सीधे जेल में ही जाकर रुके। दिल्ली का तिहाड़ जेल केजरीवाल का नया ठिकाना है। केजरीवाल अब जेल की सलाखों में रहेंगे और तिहाड़ जेल की रोटी खाएंगे, क्योंकि केजरीवाल ने अदालत में महज 10,000 रूपये का बेल बाउंड भरने से सीधे सीधे इनकार कर दिया। जज साहब ने ऑर्डर किया कि केजरीवाल जी किसी भी साधारण व्यक्ति के तरीके से, जिस प्रकार से साधारण व्यक्ति क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत बेल बॉन्ड देता है, बेल बॉन्ड देंगे, पर्सनल बॉन्ड देंगे 10,000 की ट्यून का, लेकिन केजरीवाल जी ने पहले हाँ करते हुए फिर इनकार कर दिया और उनकी इनकारी पर जो होता है कानूनी प्रक्रिया में उनको अरेस्ट कर दिया गया कोर्ट ही में। केजरीवाल के इस जेल कांड की पूरी तफसील आपको सिलसिलेवार बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा देखिए ये तस्वीरें। जब दिल्ली पुलिस की टीम अदालत के फैसले के बाद केजरीवाल को लेकर सीधे तिहाड़ जेल पहुंची, आगे आगे पुलिस वैन में केजरीवाल और गाड़ी के पीछे बेतहाशा दौड़ते केजरीवाल के समर्थक। समर्थकों को देखा तो केजरीवाल ने जालीदार वैन की खिड़कियों से ही हाथ खिलाया। लेकिन तब तक पुलिस वैन दनदनाती हुई तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 4 में दाखिल हो चुकी थी और बाहर केजरीवाल के समर्थक एक बार फिर सड़कों पर नारेबाजी करने उतर आए थे। इधर केजरीवाल के इस नए सियासी ड्रामेबाजी को लेकर अजब गजब दलीलें लेकर केजरीवाल के तमाम सियासी धुरंधर मैदान में उतर आए। कानून को तो पहले से ही ठेंगे पर रखते थे, अब देश की न्यायिक प्रक्रिया को भी सीधे सीधे चुनौती देने लगे हैं। केजरीवाल की सियासी जेल यात्रा पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की दलीलें सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अरविंद केजरीवाल इसी तरह के 4 मामलों में जब भी सुनवाई होती है अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि मैं कोई खास आदमी नहीं हूं, मैं आम आदमी हूं, आम आदमी के साथ जो सलूक होना चाहिए वो किया जाए। वो कहते हैं कि अगर मैं जब तक ये नहीं मानता कि मैंने गलत किया है तब तक मैं जमानत नहीं लूंगा। पहले 3 मामलों में भी उन्होंने जमानत नहीं ली और अदालत ने माना कि इन्हें जमानत लेने की जरूरत नहीं है। इस मामले में भी उनका यही कहना था पिछले 3 या 4 केसेस की तरह से। पहली बार भी हम लोग आंदोलन में कोई ये पहली घटना नहीं है कि यहाँ बेल बॉन्ड नहीं भरा जा रहा है। हम लोगों ने कई बार आंदोलनों में बेल बॉन्ड नहीं भरने का निर्णय लिया है। बेल बॉन्ड कोर्ट में हम कोई चोर थोड़ी है, पार्टी के इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं। केजरीवाल के सियासी स्टंट के बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर में एक बार फिर से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जरा देखिए केजरीवाल के जेल जाने के बाद आपके दफ्तर का क्या हाल है।
जी हाँ, ये है दिल्ली का एक नया हाई वोल्टेज ड्रामा जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कई दिनों से मीडिया से दूर रहने के बाद मीडिया में वापस छाने के लिए एक और ड्रामे की शुरुआत हो गई है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं और इस वक्त हम खड़े हैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस में, जहां पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के कोई भी लीडर इस वक्त दफ्तर में मौजूद नहीं है। सभी 23 तारीख को अगली हियरिंग होनी है, इंतजार है लोगों को 23 तारीख का। फिलहाल एक दिन तो कम से कम अरविंद केजरीवाल को जेल में ही बितानी होगी। इधर केजरीवाल के जेल जाने के बाद तमाम सियासी दलों ने एक साथ केजरीवाल पर हमला बोल दिया। कोई केजरीवाल की इस जेल यात्रा को सियासी नौटंकी करार दे रहा है, तो कोई कह रहा है कि अब केजरीवाल का सब कुछ खत्म हो चुका है, असलियत जनता के सामने आ चुकी है, इन ड्रामों से कुछ नहीं होगा। अच्छा होगा कि केजरीवाल जी फिर से अपने पुराने जो उनका एनजीओ वो चलाते थे और जिस तरह से वो एक सोशल एक्टिविस्ट का काम करते थे वैसे ही करें, राजनीति उनके बस का नहीं। दरअसल बड़े उम्मीदों और अरमानों के साथ दिल्ली की सत्ता छोड़कर केजरीवाल बनारस गए, मुंह के बल गिरे, चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई। देश भर में मोदी सबसे ताकतवर बनकर उभरे, कई दिन हो गए केजरीवाल टीवी चैनल पर नहीं आ रहे थे। अब केजरीवाल को लग रहा था कि यही बहाना है टीवी चैनल पर आने का और मीडिया की सुर्खियों में बने रहने का, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं फिर से केजरीवाल का ये सियासी दांव उल्टा न पड़ जाए। नेहा केसरी और वरुण जैन के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस ड्रामे के बाद फिलहाल उठ रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे केजरीवाल को कब और कैसे हुआ अपनी गलती का एहसास है। लेकिन इससे पहले केजरीवाल ने ये कहकर एक और सियासी शिगुफा छेड़ दिया कि अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वो दिल्ली में घूम घूम कर पूरे दिल्ली वालों से अपने किए की माफी मांगेंगे। अच्छा कहो, बुरा कहो, झूठा कहो, सच्चा कहो, हमको सब को भूल। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। हमसे भूल हो गई, हमका माफी दई हो। मैं उसके लिए लोगों से माफी मांगता हूँ। हमका माफी दई हो। हाँ जी। जी हाँ, लोकसभा नतीजों में मुंह की खाने के बाद अब केजरीवाल साहब की अक्ल ठिकाने आई है। हमसे भूल हो गई, हमका माफी दई हो। हैरान नहीं होइएगा अगर दिल्ली की सड़कों पर केजरीवाल हाथ जोड़े और अपनी गलती के लिए कुछ इसी अंदाज में माफी मांगते नजर आ जाएं। झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, हमको सबको भूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दई हो। पूरी दिल्ली में आपका सुपड़ा साफ होने और 400 से ज्यादा आप उम्मीदवारों की लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त होने के बाद केजरीवाल साहब को ये दिव्य ज्ञान मिला है कि दिल्ली वालों के साथ उन्होंने धोखा किया, इसलिए अब सियासत के बैरागी बनकर दिल्ली के गली मोहल्लों में घूम घूम कर दिल्ली वालों से माफी मांगेंगे। अरविंद केजरीवाल तो अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन क्या जनता माफ करेगी, ये भविष्य पर छोड़ देते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और।